हेलो दोस्तों साथियों, भारत सरकार ने हरियाणा सरकार के लिए न्यूज है। ये देख रहे हैं, ये फुलौरा को जाने वाला रास्ता है। जीटी रोड से ये सटा हुआ है। ये जीटी रोड नांगरखेड़ी विकास नगर पुल के पास। और ये देखो कितना परेशानी है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये देखें कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पर। ये झुग्गी लगी हुई है, बागड़ी बसे हुए हैं। तो इस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया जाए, सरकार तक इतना शेयर किया जाए जो सरकार तक पहुँचे। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस जगह पर भराव कम से कम 1 मीटर ऊंचाई का भराव होना चाहिए, जब ये पानी की रुकावट होगी। और फ्लोरा तक है, ये 29 सेक्टर फ्लोरा SSSI तक। तो इसको भराव डलाया जाए और सरकार तक ये न्यूज भेजी जाए ताकि इसका इंतजाम हो सके और पुलिस प्रशासन का इंतजाम हो सके। यहाँ पर ये महन रास्ता है हुड्डा का, और हुड्डा के लिए ये मनोहर लाल खट्टर के पास ये भेजी जाए, जो मुख्यमंत्री हैं। ये वीडियो को शेयर किया जाए, लाइक किया, सब्सक्राइब, घर घर पहुँचाया जाए इस न्यूज के हिसाब से, कि ये पता लगे सबको, भारतवासियों के यहाँ कितना गंदा पानी है, लोगों को परेशानी हो रही है। और कितना गंदा पानी है नाले का, जो हाथ पैर सड़ जाते हैं, बीमारी फैल जाती है। तो सरकार की सोचना चाहिए कि इसका कम से कम 1 मीटर का भराव होना चाहिए। 1 मीटर का भराव हो, जब भी ये भराव को पूरा हो सकता है। अब देख लें कितनी परेशानी है, पब्लिक आ रही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कि सरकार तक पहुँचाएँ, मनोहर लाल खट्टर तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ और आगे बढ़ा दें। देखो कितनी परेशानी हो रही है, आप देख रहे हैं कितनी परेशानी हो रही है। ये देखो परेशानी है, ये गंदा पानी है, इतना गंदा। ये पुलिस थाना था, हटा के आगे कर लिया है। CIP है, CIP के पास है। तो आपको हम दिखा रहे, इस न्यूज़ को शेयर किए जाएं। धन्यवाद जी, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद जी।